10 नवंबर 1659 छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार डाला। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके 10 अंगरक्षक वापस जाने लगे। एकाएक महाराज रुके, उन्होंने अपने अंगरक्षकों की गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ नौ, एक कौन रह गया पीछे। वैसे एक अंगरक्षक ने कहा, महाराज संभाजी कावजी नहीं आए। संभाजी वो कहाँ रुक गए वो। तब संभाजी कावजी पीछे से भागते भागते आए। महाराज ने पूछा, संभाजी कहाँ थे, कहाँ रुक गए थे आप। ऐसा सुनते ही संभाजी कावजी ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ में अफजल खान का सिर था, ये काटने के लिए रुका था महाराज। महाराज बोले, पर संभाजी अपने नियोजन में नहीं था ये, ऐसी हिम्मत क्यों की तुमने। वैसे ही संभाजी ने कहा, महाराज आपने अफजल खान का पेट फाड़ डाला, पर ऐसा लगा कि खान मरा या नहीं मरा, इसलिए मैंने लाया काट कर उसका सिर। महाराज बोले, संभाजी जो हमने वाघनाग अफजल खान के पेट में घुसाए थे उस पे जालिम जहर लगा था, खान वैसे ही मरने वाला था, फिर ऐसा काम क्यों किया तुमने। संभाजी अगर खान का सिर काटते हुए पेट के पीछे से तुम्हारे सिर पर किसी ने वार किया होता तो क्या जवाब देते हम तुम्हारे माँ साहब को। नहीं संभाजी, एक बार अफजल खान नहीं मरा तो भी चलेगा, लेकिन स्वराज का एक भी मराठा बेफिजूल मरना नहीं चाहिए। 10 नवंबर 1659 को अफजल खान को शिवराय ने मार डाला। दोपहर के ठीक 2 बजे खान मर गया। दोपहर के 2:30 बजे मराठे खान के सैन्य पर टूट पड़े। अफजल खान के सैन्य दम दबाकर भागने लगे। उनके तलवारें वहीं पे, तोपें वहीं पे, हाथी वहीं पे, घोड़े भी वहीं पे, मराठों ने सभी अपने कब्जे में ले लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का आत्मविश्वास देखो, नियोजन भी कितना जबरदस्त। खान को मारने ही वाले है और उनके घोड़े और शस्त्र हमें मिलने ही वाले है, ये आत्मविश्वास महाराज को था। 4,000 घोड़े लेकर आया था खान, 2,000 घोड़े सवार भाग गए, पर 2,000 घोड़े हमें ही मिलने वाले हैं। लेकिन 2,000 घोड़े सवार भी वो घोड़े वापस लेने के लिए तो चाहिए थे, इसलिए 10 नवंबर 1659 के 6 महीने पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 2,000 लोगों को घोड़े सवारी का प्रशिक्षण देकर तैयार रखा था। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम था 10 नवंबर को हमें 2,000 घोड़े मिलने वाले हैं। इतना जबरदस्त आत्मविश्वास। और बताया कि 10 नवंबर को शाम को 6 बजे तुम सबको अपने अपने घोड़े मिल जाएंगे। क्या नियोजन, क्या आत्मविश्वास है छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये हुई 10 नवंबर की बात। 11 नवंबर को महाराज कहाँ थे, आराम कर रहे थे या फिर कहीं घूमने फिरने गए थे। बिल्कुल नहीं, 11 नवंबर को सुबह 10 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। हर हर महादेव का जय घोष हुआ और मराठे तेज गति से निकले। देखते ही देखते वायु प्रांत काबिज किया, सातारा प्रांत काबिज किया, वारणा नदी के आजू बाजू के प्रांत में गए, उसे भी जीत लिया। कोल्हापुर प्रांत में घुसे, उसे भी जीत लिया। और 1 दिसंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्नालगढ़ पर फिर से अपना भगवा लहराया। यानी सिर्फ 20 दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज 200 किलोमीटर घूमे और 18 किले अपने कब्जे में ले लिए। यानी सिर्फ शिवाजी महाराज का नियोजन अफजल खान को मारना सिर्फ इतना ही नहीं था, खान को तो मारना ही है। खान को मारने के बाद भी आगे का ये महाराज का नियोजन था। और ऐसे ही हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल तेजस ऑन फैक्ट को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय शिवराय, जय सनातन।